हेलो एवरीवन। सो डू यू नो कि इस बार जो कैट 23 का एग्जाम था और कैट 2022। गुड इवनिंग रोहन। इस बार के पेपर में जो भी सेट आए थे 20 क्वेश्चंस थे, उसमें एलआर के 3 सेट थे और एक जो सेट आया था वो एलआर प्लस डीआई था। इसका मतलब राइट नाउ एलआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हेलो अनुराग। एलआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे हम लॉजिकल रीजनिंग की थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं, दैट विल डिस्कस। ये मैं 3 क्लास सीरीज ले रहा हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 PM पर। ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 क्लासेस में आपको सिखाऊंगा कैसे हम क्वेश्चंस में सोचते हैं। ठीक है, वी विल लर्न हाउ टू थिंक इन अ एलआर क्वेश्चन। कैसे उसमें टेबल बनती है, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, बेसिक। पहले तो आज मैं आपको बेसिक चीजें सिखाऊंगा, राइट, हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग। और धीरे धीरे मैं आपको लेवल बढ़ा के मॉडरेट लेवल करेंगे। अभी तो हम बिगनर लेवल पढ़ाएंगे, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस लेवल। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लगातार आपकी क्लासेस चलेंगी 6 PM। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज गिविंग कैट 2024। क्योंकि ये मान के चलो कि आप अब डीआई कम आता है, एलआर ज्यादा आती है। ठीक है, तो एलआर पे आपको फोकस करना है। इसमें अगर आप 2 सेट भी क्रैक कर लोगे, इट इज 99.99% इन LRDI सेक्शन। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई देखो, आपको 40 मिनट में 10 क्वेश्चन करना है। और उन 10 क्वेश्चन में भी आपको पता है एलआर में जो मेन गोल होता है, मेन एम होता है, 19 मिनट में आपको सेट क्रैक करना होता है और 1 मिनट में आंसर लिखना होता है। क्योंकि आंसर बहुत, जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी हो जाते हैं अगर आपने सेट को ढंग से क्रैक कर लिया। इफ यू आर एबल टू मेक मेक द सेट, देन 1 मिनट लगता है बाकी 5 क्वेश्चन को आंसर करने में। तो आज हम ये सब कुछ सीखेंगे। हाँ, करो करो रोहन, वो भी करो, ये भी कर सकते हो। ये तो फ्री क्लासेस है, इसमें मैं बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तक लेके जाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे हम लोग। एवरीथिंग विल बी हेल्पफुल। और ओके अनुराग एंड बाकी लोग, ज्वाइन माई कम्युनिटी। कम्युनिटी इज द इजिएस्ट वे। कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको बहुत इजी वे में यू कैन कनेक्ट विद मी। ठीक है, आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करो। मैं आपको कम्युनिटी पे सारी लिंक देता रहता हूँ। सबसे बड़ा फायदा है कि कम्युनिटी पे मैं आपको न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करता हूँ डेली। तो इफ यू वॉन्ट टू क्रैक कैट, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका वर्बल इंप्रूव होगा, आपका कंप्रिहेंशन इंप्रूव होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर जरूर देखना है आप लोगों को। मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया, इसको ज्वाइन कर लेना। एंड दिस ईयर वी गॉट मोर देन 85 लर्नर्स हु गॉट 99+ percentile, मोर देन 85 लर्नर हु गॉट 98। तो ऑलमोस्ट 170 स्टूडेंट का 98+ percentile आया और 95 to 98 वी हैव 160+ लर्नर। तो दिस स्कोर इज इंक्रीजिंग धीरे धीरे बच्चों। ओके, एंड वी आर स्टार्टिंग ए न्यू बैच विच इज आई एम स्टार्टिंग ऑन January 13। इसमें मेरी भी क्लासेस हैं, मेरे अलावा रवि सर हैं, यस अनुराग, रमन है, लोकी, शबाना मैम, ये सब इस बैच में सर पढ़ाएंगे। मैंने एंड आप यू कैन अभी ज्वाइन एन अकेडमी बाई द कोर्स कोड भारत_गुप्ता। ये इवनिंग बैच होने जा रहा है। इन दिस यू विल हैव एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस फॉर अनइंटरप्टेड लर्निंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट सिलेबस बैच फॉर कैट 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच होने जा रहा है, ये समझ रहा। सर मैंने अभी अभी मैंने सब्सक्राइब किया है जनवरी में, एंड आई एम ओके, फॉलोइंग द बैच व्हिच यू स्टार्टेड ऑन 10th of November। अभी यस, मैंने कुछ वीडियोस उसकी देख ली हैं, बट ये मेरे को कंफ्यूजन है कि ये जो आपने बैच शुरू किया है, बिकॉज अभी मैंने एनरोल किया है, तो जो बैच मैंने ज्वाइन किया है, जो जो प्रॉपर बैच है सारे एजुकेटर्स का, वो मैंने अभी वाला ज्वाइन किया है। तो शुड आई फॉलो द बैच व्हिच इज गोइंग राइट नाउ, और आई स्टिक विद, क्योंकि मेरे को जो लॉजिकल रीजनिंग वो पहले से ही करना है फैब तक, मार्च तक आपने आई गेस 16th of February तक आपका वो वाला बैच चल रहा है। हाँ। हाँ, तो अभी मैं वो वाला उससे प्रेपरेशन करूँ या देखो, फिर वो बैच तो प्लस मेंबर्स के लिए। हाँ सर मैं सब्सक्राइब हूँ, मैं प्लस मेंबर हाँ मैं कंटिन्यू। बता रहा हूँ, ये जो बैच है ना, ये फ्री क्लासेस हैं।
मीन्स दिस इज बिगनर लेवल बैच, इसमें बहुत बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि प्लस में हमारे पास ना, मैंने प्लस में भी दो दो घंटे की क्लासेस ली हैं, दीज टू बैचेज आर सेम, ठीक है, दोनों सेम रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट इस क्लास में, जैसे अब मैं आपको इस क्लास के बाद तो तुम्हें दोनों करने चाहिए, ठीक है, हाँ जी, ये दोनों ओके तुम्हें सर। बैच करने चाहिए। बट सर फिर इसकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, जैसे मेरा जो प्लानर है, प्लानर पे मेरे हाँ, पास बस ये क्लास नोटिफिकेशन ऐसी होती है ना, सुनो, ये प्लस, ये स्पेशल क्लासेस होती है, दीज आर स्पेशल क्लासेस, तो ये इसके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे आपको ना, जब आपने मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन हो, है। हाँ जी, मैं ज्वाइन हूँ अभी, मैंने ठीक है, कल ही रात को ज्वाइन किया था, कल हाँ, तो मैं उसमें आपकी वीडियो आपको देख रहा न्यूज़पेपर डेली मिलेगा, वो देखते रहना, था। हाँ जी, प्लस साथ ही साथ मैं इन क्लासेस का लिंक वहां डालता रहता हूँ, याद रखो, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, फिर देन फ्राइडे, अभी ये इन तीन बिल्कुल दिनों का सही बात शेड्यूल है, ठीक है, है। और सर टाइमिंग क्या थी? 6 6 PM, ठीक ओके ओके सर, ठीक है, बस है, इतना ही हाँ, पूछना। थैंक यू। तो देखो, ये हम लोग का जो नया बैच आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन अन अकेडमी, यूज माई कोड भारत_गुप्ता। तो देखो, जो हम बात कर रहे हैं, अच्छा पहले मैं अपने बात बताता हूँ, आई हैव मोर देन 25 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मोर देन 25,000 स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं, उसके अलावा उसमें से 2,000 स्टूडेंट जो IIMs में हैं या पास कर चुके हैं, एंड मेरी एक बुक है मैथमेटिका जो कि अमेजन पे अवेलेबल है, यू कैन रीड दिस बुक फॉर फ्री, ये आप बुक को किंडल एडिशन अमेजन पे फ्री में पढ़ सकते हो। चलो भाई, अब हम सीखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, बेसिकली बेसिकली गुड इवनिंग स्टीफन, बेसिकली होता क्या क्या है लॉजिकल रीजनिंग, एक्चुअली है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, उसमें क्या होता है। तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग को वी कैन डिवाइड इंटू थ्री मेजर पार्ट। मेजर पार्ट में क्या क्या होगा, एक सीन होगा आपके पास, कोई कंडीशन होगी, सिनारियो होगा, ठीक है, कि भाई ये है आपके पास, इस ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है, उसको आपको पहले समझना होगा कि क्या कंडीशन है, क्या सीन है, क्या सिनारियो हो रहा है, कि बहुत तरह के लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बनते हैं, बहुत सारे, मैं भी सबको सब बताऊंगा आपको। फिर जब आपके पास सीन समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 10 लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, ABCDEFGHIJ, और उसमें से अब ये तो हो गया सिनारियो की कंडीशन, ये है कि हमें 10 लोगों को पिकनिक में लेकर जाना है, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ टिफिन लेके जा रहा है, राइट, उनके टिफिन में किसी ने फ्रूट्स लिया है, किसी ने वेजिटेबल्स लिए, किसी ने रोटी लीजिए, इस तरह के आपको दे रखा है, ये होगी कंडीशन, क्या सिनारियो है, क्या सीन है जिस पर हमें वर्क करना है। उसके बाद रूल्स या कंडीशन, कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि जिस, अब जैसे अगर मैं उसी आपको पिकनिक वाले की एग्जाम्पल लेता हूं कि 10 लोग पिकनिक में जा रहे हैं, वहां पर ABCDEFGHIJ, ये 10 लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, ये तो हमारे पास रूल हो गया, कंडीशन हो गई कि भाई 10 लोग पिकनिक में जा रहे हैं, हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ टिफिन है, कुछ ना कुछ वो खाने के लिए लेके जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल कुछ भी हो सकता है। अब रूल्स आता है, अब रूल्स ये होता है कि ये लोग जिस बस में बैठे हैं वो 10 सीटर बस है, जिसमें दो दो करके सीट ऐसे हैं, ठीक है, दो सीट ऐसे लगी हुई है और दो सीट ऐसे, ठीक है, और पीछे आगे दो सीट, इधर एक सीट ड्राइवर की है, ठीक है, तो यहां पर ड्राइवर की सीट हो गई, इधर आपके पास कुछ इस तरह का डायग्राम हो गया, ठीक है, ये आपके पास 10 सीट है, यहां पर आप लोग बैठोगे। अब कुछ कंडीशंस दे देगा कि यार ए कभी भी बी के साथ नहीं बैठेगा, डी ई को हमेशा खिड़की की तरफ बैठना है, एच और जे साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है, इस तरह की कंडीशंस होंगी, रूल्स आपको दिए होंगे। तो पहले तो सिनारियो समझना है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब आपके पास कंडीशन आ जाती है, रूल्स आ जाते हैं, उसके बाद आपको यहां पर होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फ्रेम करनी होती है, मैट्रिक्स को हम टेबल भी बोलते हैं, तो जो आपको कंडीशन दी है उसके हिसाब से आपको टेबल या मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है, टाइप 1 क्वेश्चन होते हैं कि आपको टेबल बनानी होती है कि क्या क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन को फिर फ्रेम करना पड़ता है, क्वेश्चन की कंडीशंस को रखना पड़ता है, राइट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रूल्स एंड कंडीशन को फॉलो करना, अगर आप ये ढंग से फॉलो कर लेगा तो आपके लिए आसान हो जाता है कोई भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो रूल्स होते हैं ना, ये कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब उसके बाद आपके मेन आते हैं क्वेश्चंस, एक बार आपने सेट पूरा कर लिया,
देन यू कैन सॉल्व एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक बार आपका टेबल ढंग से बन गई ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल ढंग से बन गई, फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ते हो, तो अभी जब आप स्टार्ट करोगे, बेसिक लेवल करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ध्यान रखना है, नंबर वन, रीड ईच वर्ड केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती है जिसका यूज बहुत होता है। बार बार जब आप टेबल बनाओगे, जब आप मैट्रिक्स फ्रेम कर रहे होगे, रो और कॉलम में वैल्यू फिल कर रहे होगे, तो आपने अगर कोई भी एक बात मिस कर दी तो उससे पूरा टेबल गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी पर बेस सब कुछ होता है। अच्छा, अब ये लॉजिकल रीजनिंग की थिंकिंग कैसे डेवलप करोगे, तो आपको याद रखना है, अभी आप अगले 1 मंथ तक सुडोकू सॉल्व करना स्टार्ट करो। आप लोग करते हो, कितने लोग सुडोकू खेलना जानते हैं? टेल मी, आप में से कितने लोग सुडोकू खेलना जानते हैं? न्यूज़पेपर, आप में से कितने लोग सुडोकू जानते हैं, लिखो जरा कमेंट सेक्शन में। हेलो अर्पिता, आई टीच फॉर एवरीथिंग, वंशिका, आई टीच फॉर एवरीथिंग। ओके, तो सुडोकू से क्या होता है, आपकी रीजनिंग पावर इंप्रूव होती है। तो आपको अभी नेक्स्ट नेक्स्ट 1 मंथ तक डेली एक सुडोकू सॉल्व करना है, 20 मिनट लेकर, ठीक है, 20 मिनट, 10 से 20 मिनट के बीच में। अभी आप इजी से स्टार्ट करो, अब तुम सीख गए ना रोहन, अभी आप इजी से स्टार्ट करो, फिर मॉडरेट होते हैं, फिर डिफिकल्ट होते हैं, फिर चैलेंजर्स होते हैं। जितना इजी सेट होगा उसमें उतनी डेटा ज्यादा होंगे। तो मैं आज आपको क्या करूंगा, मैं आपको आज 4 तरह क्वेश्चन कराऊंगा। एक सुडोकू को सॉल्व करना सिखाऊंगा, सेकंड मैं आपको एक बहुत सिंपल रूल्स सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है आज करने का, बहुत बेसिक लेवल से थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे हम चीजों को सोचना स्टार्ट करते हैं, राइट। हमेशा आप लोग ना, अगर कैट 24 आपका कब है मालूम है, नवंबर एंड में है, नवंबर एंड, आपके पास ऑलमोस्ट 11 और ये 10.5 मंथ मान सकते हो। लंबी जर्नी है हमारी, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ एक दिन में सीख लोगे। तो मेक अ शॉर्ट गोल्स, ठीक है, एक छोटा छोटा गोल लेके चलो। मैं आपको एक एक आइडिया देता हूं कि किससे से आप स्टार्ट करो। नंबर वन, एक तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करनी है आपको, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग डेली डेली करनी है आपको। सेकंड, एक सुडू को डेली अभी सॉल्व करना है अगले 30 दिन तक। हमारा अभी कुछ टारगेट सेट कर लो कि मुझे 30 दिन तक सुडू को सॉल्व करना है। उसके बाद क्वांट में, मैं खैर करा ही रहा हूं आप लोग, क्वांट में भी आपको 30-40 क्वेश्चन पर डे करना है। अभी 1 महीने का टारगेट ये रखो। धीरे धीरे आप जब न्यूज़पेपर रीडिंग को करना स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं यूज उसका हेल्प होगी आपको आगे VARC में, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या करना है, कॉपी बना लेना। अगर आपकी VA बहुत वीक है, RC बहुत वीक है, तो कॉपी बना लेना। उस कॉपी में जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, उस न्यूज़पेपर रीडिंग में, मैं डेली न्यूज़पेपर डालता हूं, आप लोग चेक कर लो मेरी कम्युनिटी। स्टीफन, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मैं डेली न्यूज़पेपर अपलोड करता हूं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दो न्यूज़पेपर में डेली अपलोड करता हूं। ये आप ज्वाइन कर लो मेरी कम्युनिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर लेके चलो डेली। सुबह मैक्स टू मैक्स 10 AM तक मैं न्यूज़पेपर डाल देता हूं, कभी कभी लेट लेता हूं, 10 से लेट नहीं होता है, मैं डेली सुबह न्यूज़पेपर डाल देता हूं। आप लोग वहां से न्यूज़पेपर डाउनलोड करो। क्या क्या पढ़ना है, एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल पढ़ो। सेकंड, जब आप एडिटोरियल पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है, एक शुरू के 15-20 दिन लगेंगे, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो शुरू में डर लगता है, इसलिए अभी एडिटोरियल से स्टार्ट करो। वंस यू कंफर्टेबल विद एडिटोरियल, स्टार्ट विद बिजनेस न्यूज। अब आपको बिजनेस न्यूज भी पढ़नी, क्योंकि आपको जो आगे करना है सब बिजनेस से रिलेटेड काम करना है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, तो एडिटोरियल एंड बिजनेस न्यूज थर्ड आपको करना है, थर्ड आपको करना है। उसके बाद जब आप बिजनेस न्यूज कंफर्टेबल, फ्रंट पेज पढ़ना है। आप देखा करो कि कुछ पॉडकास्ट देखो, इंग्लिश पॉडकास्ट देखा करो, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, अगर आपकी इंग्लिश वीक है। और LR का इंप्रूव करने का तरीका एक है कि सुडोको करना अगले 30 दिन तक, एक सुडोको पर डे और एक सेट, वन सेट डेली, डेली एक सेट करना है आप लोगों को। ये कहां से मिलेगा, अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्राइबर स्टूडेंट हो तो हमारे पास सेक्शनल टेस्ट की फॉर्म में ऐप पर ही आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। आप कोई भी इजी सेट से स्टार्ट करो, स्टार्ट सॉल्विंग, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द प्लस क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं,
आज मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, सुडोकू सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सुडोकू सॉल्व करने का रूल बताया तो मैं आप लोगों को, सॉल्विंग अ सुडोकू। आप में से कितने लोग जिनको सुडोकू सॉल्व करना नहीं आता है, आप में से कितने लोग जिनको सुडोकू सॉल्व करना नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में लिखो मी। आप में से कितने लोग हैं जिनको सुडोकू सॉल्व करना नहीं आता है। हाँ, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। सुडोकू का जो मेन पर्पज होता है, इसमें 9x9 के 9 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, 9x9 के 9 ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको मजा आने लगेगा, आपका दिन नहीं खत्म होगा जब तक आप इसको नहीं करोगे, आपको लगेगा यार सुडोकू सॉल्व नहीं किया, मजा नहीं आ रहा कुछ, और इससे आपकी रीजनिंग पावर बहुत इंप्रूव हो जाएगी। देखो ये आपके पास 9 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इन 9 ब्लॉक्स के अंदर भी हमारे पास 9x9 के ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये ऐसे 9 ब्लॉक्स होते हैं, राइट, ऐसे कुछ ये दिख रहा है आपको, 9 ब्लॉक्स हो गए ऐसे, ये आपका सुडोकू हो गया। बस 10 मिनट में आपको सिखा दूंगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा इस चीज में। सुनो, अब यहां पर होता क्या है, ये एक 9x9 का ब्लॉक है, एक ये 9x9 का ब्लॉक है, ये 9x9 का ब्लॉक है, एक 9x9 का ब्लॉक ये है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसमें रूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इसको फॉलो करते हैं। नंबर वन, इन एवरी 9x9 ब्लॉक डिजिट आर यूज्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ना, ये वाला ब्लॉक, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करता हूं, इसके अंदर 9 जो स्पेस है उसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर आएंगे, राइट। और सेकंड रूल, एवरी रो और कॉलम कंटेन नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। मतलब क्या है इस बात का, कि ये जो रो दिख रही है आपको, या ये रो दिख रही है, या ये रो, इन सब में 1 to 9 आएगा, कोई टर्म रिपीट नहीं होगी, इधर भी 1 to 9 आएगा। तो ये है मेन रूल, ठीक है। अच्छा, इस पर बेस में आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सभी लोगों को क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं आपको आज क्या क्या कराने जा रहा हूँ। देखो जरा, एक तो ये हम, हाँ ये बताऊंगा क्या क्या होता है। देखो, एक सुडोकू सॉल्व करेंगे, फिर ये मैट्रिक्स बेस्ड पजल होगा, बहुत बेसिक पजल है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बीसीसीआई वाला, और एक वो हेड वाला क्वेश्चन, बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोग आज। तो इतना मेरा टारगेट है आज करने का। अच्छा, जो लॉजिकल रीजनिंग आपको क्या क्या करना चाहिए, देखो डेटा अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेटा अरेंजमेंट मैं आज आपको डेटा अरेंजमेंट सिखाऊंगा, रैंकिंग बेस्ड पजल ये आज नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्वांट बेस्ड पजल ये भी आज नहीं होगा, गेम्स एंड टूर्नामेंट ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने, सुडोकू बेस्ड पजल जो मैं आज करा रहा हूं आप लोगों को, ग्रुपिंग, कोडिंग डिकोडिंग, नेटवर्क बेस्ड पजल बहुत इंपॉर्टेंट, नेटवर्क बेस्ड पजल, कंडीशनल पजल एक क्वेश्चन जरूर आता है, मैट्रिक्स बेस्ड पजल, वेन डायग्राम सेट्स, मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड सेट्स, टीम फॉर्मेशन मैचिंग पजल, डीआई बेस्ड पजल, ब्लड रिलेशंस पजल एंड मिसलेनियस। तो ये 16 चैप्टर है जो आपको डीआई एलआर में आने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनते जाएंगे इस पर और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मेरा जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो है, वो क्वेश्चन आपके सामने सुडोकू का है। हाँ हाँ हाँ, जीआरई में थोड़ा सा, जीआरई में भी सेम रहता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट सेट जो आपको ट्राई करना है, और इसमें आपको आंसर क्या देना है मुझे बताओ। व्हाट वैल्यू विल कम एट दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक में क्या आएगा, ऑप्शन ए 2, B 3, C 1, D 8। चलो, सब लोगों को मैंने बताया, थोड़ा बहुत आइडिया लो, मैं आपको 3 मिनट दूंगा, आप इसको सोचो और करो। याद रखना, कोई भी सुडोकू को सॉल्व करने के लिए शुरुआत में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा इजी हो जाएगा। मैं आपको 3 मिनट देता हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस सेट को। आज एक क्वेश्चन कराऊंगा सुडोकू का, आपको एक आइडिया हो जाएगा, फिर अच्छे क्वेश्चंस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट है कि ये कंडीशंस है, उस कंडीशन को कैसे हम फिल करना शुरू करते हैं वो सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ओके,
वंशिका ऑप्शन कमेंट सेक्शन में, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, गलत हो सही हो मुझे मतलब नहीं, आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में, यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा मेरी जो नेक्स्ट क्लास है वेडनेसडे, उसका लिंक मैंने आपको दे दिया, उसको ज्वाइन कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे है 6 PM, मैंने लिंक ऊपर पिन कर दिया, इसको ज्वाइन कर लो। ओके मधुर, रोहन एंड बिशप, बिशप मार्क द आंसर करेक्ट। अच्छा इसमें एक ये भी तरीका होता है इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन सुडोकू में, कि आपको ना जो नंबर मैक्सिमम दिया होता है उससे स्टार्ट करते हैं, द नंबर विच इज मैक्सिमम टाइम गिवन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट नंबर। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो 1 एक बार दिया है, इधर 1 इधर 1, तो या तो आप एक काम करो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो आप इससे स्टार्ट किया करो इनको, आप ना यहाँ पे नंबर लिख लो, आपके पास नंबर क्या क्या भरने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बस एक बार सीख जाओगे तो बहुत आसान लगने लगेगा तुमको चीजें। ओके अब हम देखते हैं 1 से, अगर यहां पर 1 है, इफ 1 इज देयर, तो 1 इस लाइन में नहीं आ सकता क्योंकि 1 यहां पर आ गया है, 1 इस लाइन में नहीं आ सकता क्योंकि 1 यहां पर आ चुका है। अच्छा एक 1 यहां पे दिख रहा है, 1 यहां भी नहीं आएगा और 1 यहां भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ मैनेज करना है कि हम 1 को कहां कहां ला सकते हैं, तो 1 अच्छा एक यहां भी दिख रहा है मुझे, है ना, तो अब मुझे बताओ 1 इस जगह नहीं आएगा। अब हम देखते हैं किस किस कॉलम में 1 आ सकता है, जरा देखो क्या, अगर देखो यहां पे 1 नहीं, यहां नहीं, इस वाले कॉलम में 1 यहां पर आ सकता है, यस आ सकता है, आ सकता है ना, क्योंकि देखो ये यहां 1 हो गया, इस रो में 1 है तो यहां 1 नहीं आ सकता, 1 यहां पर यहां नहीं आ सकता, 1 यहां भी, तो ये पूरा रो कैंसिल हो गई, तो 1 कैन कम एट दिस प्लेस ओनली। अच्छा मैं बाकी हिस्सा हटा दे रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आए कि मैंने 1 कैसे भरा। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो 1 इधर इस रो में पूरा 1 यूज हो गया, यहां पूरा हो गया, तो बचा 1 यहां पर आएगा, ये 1 यहां कंफर्म आएगा, राइट, ये कंफर्म 1 हो गया। मैं एक एक करके चीजों को लेकर चलेंगे, देखो यहां पर 1 आ गया, अगर 1 यहां पर आ गया है तो 1 कैन कम एट दिस प्लेस ऑल्सो, और 1 यहां भी नहीं आ सकता तो 1 बचेगा यहां के लिए खाली, इस प्लेस पे 1 आएगा। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो, मैं कैसे 1 को फिल कर रहा हूं, कैसे मैं 1 को फिल कर रहा हूं, गेटिंग दिस पॉइंट। अब देखो इधर देखो यहां पर 1 ये आ गया तो 1 इधर नहीं आएगा और यहां 1 नहीं आएगा, तो इस वाले कॉलम में 1 यही आ सकता है खाली, हो गया क्वेश्चन। अब अगर 1 यहां नहीं आ सकता और इधर 1, अब यहां पे 1 फंस रहा है इन तीन जगह पे कहीं, या तो 1 यहां आएगा या 1 यहां आएगा, यहां पर 1 अभी फंस रहा है, अभी मुझे 1 का कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है, आप लोग समझ लो मैं कैसे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। चलो भाई मैं अभी ये पूरी चीज हटा देता हूँ, जो मैंने वैल्यू बना ली वो लिख देता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो जो थोड़ा बहुत आइडिया मिला मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, मैंने 1 थोड़े भर दिए, मैं थोड़े थोड़े 1 भरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यस, तो अच्छे आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। हाँ भाई अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या इश्यू आ रहे हैं अभी भी, देखो ये 1 हो गया यहां पर इस रो में और यहां पर, अब इन दो जगह पर 1 हो सकता है कहीं भी, मुझे कोई आइडिया नहीं इन दोनों जगह पे 1 कहां होगा, इस तरह से इसको फिल करता हूं मैं, तो 1 यहां पे, यहां पे, मतलब इन दोनों जगह पे 1 का प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका मतलब 1 की प्रॉब्लम है तो आंसर में 1 के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हम कोई कंफर्म नहीं कह सकते हैं, तो अभी हमें हमने 1 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1 के बाद कुछ कंडीशंस अब बच जा रही है। अब हम आते हैं 2 पर, ऐसे करना होता है एक एक करके नंबर बढ़ाना पड़ता है, अब हम 2 पर आते हैं, तो देखो इधर 2 दिख रहा है आपको, अगर इधर 2 दिख रहा है तो ये रो में तो 2 नहीं आ सकता। अच्छा और कहीं 2 दिख रहा है आपको, और कहीं 2, अच्छा ये 2 देखो, ये 2 यहां नहीं आ सकता, 2 यहां नहीं आ सकता, और कहीं 2 दिख रहा है, देखो ये 2 है, तो 2 अब बचे 2 के लिए ये पोजीशन, लेकिन और कहीं हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि 2 बहुत कम दिया हुआ है, तो नाउ वी विल लीव दिस 2, अब हम 2 को छोड़ देंगे, समझ लो बात, अब हम 2 को छोड़ देंगे, हम बढ़ेंगे 3 पर। देखो ये 3 मुझे दिया हुआ है, 3 यहां नहीं आएगा, ये 3 दिया 3 यहां नहीं आएगा, और 3 इस वाली रो में भी नहीं आएगा क्योंकि यहां 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 3 देखो यहां नहीं आएगा,
अच्छा ये थ्री यहां नहीं आएगा। नाउ टेल मी वन थिंग, एक थ्री यहां नहीं आएगा, तो अब बताओ कहीं पर कुछ ऐसी जगह नहीं जहां पे थ्री आ सकता है? आपको कुछ दिख रहा है? एक जगह थ्री का जगह कंफर्म हो गई, एक जगह थ्री कंफर्म हो चुका है, पता है कहां पर? यहां पर ये थ्री कंफर्म हो गया, क्योंकि देखो इधर बाकी सब फिल हो गया, तो थ्री यहां पर जरूर आएगा, राइट। अब अगर थ्री यहां पर है, देखो ये रो भी मेरी पूरी लास्ट स्लाइड राइट, अच्छा ये भी बंद कर दो, ये भी नहीं हो सकता थ्री, ये भी थ्री खत्म हो गया। अब बताओ और कहां का थ्री आ सकते हैं? ये देखो सब जगह थ्री हमारा दिख रहा है, यहां पे कहीं भी थ्री आ सकता है, तो अभी हम इनका भी बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये दो प्लेस फिल नहीं हो पा रहे, मिडिल लास्ट में कहां आएगा थ्री बताओ? हाँ एक जगह थ्री और आएगा, ये ला नहीं, यहां थ्री नहीं आ सकता, यहां थ्री ऑलरेडी है ना, ये भी थ्री हट गया ना, यहां भी तो थ्री ऑलरेडी है, ये भी हट गया। चलो अभी हमें कोई कंफर्म आइडिया नहीं हो रहा है, एक ये भी हटेगा, हाँ यहां पर आएगा ये थ्री आएगा, तो बस कंफर्म हो गया। अब हमारे पास कितनी चीजें कंफर्म हो गई, ये थ्री फिल हो गया, तो बच्चा यहां पर थ्री आएगा, कंफर्म हो गया कि यहां पर थ्री आएगा। अब अगर यहां पर थ्री आ गया, तो अब मैंने आपको आगे कुछ बताई थी बाद में, देखो भाई अब मेरा क्वेश्चन लगभग हो चुका है जो मुझे चाहिए था, समझ लो बात। ये ऐसे किया जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और इसको जरूर करना सीखो आप लोग। अच्छा मुझे ना इस प्लेस पे पूछा था, मैंने जो मेरा क्वेश्चन था वो पूछा गया था यहां पर क्या आने वाला, ये तो पूछा था मैंने आपसे। अब सुनो भाई, मैंने वन को देख रहा था, मैं अगर मैं वन की कंडीशन दोबारा फिल करता हूं, तो देखो ये जगह पे वन नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे वन है, ठीक है, इधर वन नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर वन है, अच्छा इधर वन नहीं आ सकता, इधर वन नहीं आ सकता, तो देखो ध्यान देना। अब मेरे पास फिर वही वन फंस रहा है इन दोनों जगह पर ना, तो मुझे अभी और कुछ देखना पड़ेगा, मुझे अभी आंसर नहीं आया उस जगह के लिए, उस जगह के लिए आंसर नहीं आया, तो मैं अगला पढ़ता हूं। अब मैं देखूंगा फोर को, अब फोर देखेंगे हम लोग, फोर कहां का है, यही तरीका होता है, यही करना है। देखो ये फोर इस इधर है, फोर और कहां फोर है, ये फोर इधर भी नहीं आएगा, ये फोर इधर भी नहीं आएगा, जहां जहां फोर है उसको उसी तरफ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, शुरुआत में लाइन ड्रॉ करते हैं, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी इसके करने की। यहां फोर नहीं आएगा, फोर इधर भी नहीं आएगा, अच्छा देखो एक अब और क्या बचता है मेरे पास, और कहां फोर आ सकता है? देखो यहां तो ऑलरेडी फोर है, इधर भी फोर है, इधर भी फोर है, यहां पर फोर देखो कंफर्म हो गया कि यहां फोर आने वाला है, कंफर्म, क्योंकि देखो इधर सब कुछ भर गया ना, तो अब हम इस रो को भी बंद कर देंगे, इधर भी मेरा फोर नहीं आ सकता, ये सब फोर वाले भर गए वैल्यू। अच्छा अभी भी कुछ चीजें बचती है, फोर अभी भी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा एक फोर ये भी है, इधर भी कंफर्म हो गया, बताओ भाई ये फोर कंफर्म हो गया ना यहाँ पर, ये फोर कंफर्म हो गया क्वेश्चन। अब अगर ये फोर कंफर्म हो गया तो यहां भी फोर नहीं आ सकता, ठीक है, ये दो जगह बचती है फोर के लिए, सुनो जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर एक नई चीज सिखाता हूं मैं आप लोगों को, मुझे कंफर्म हो गया कि देखो यहां पे फोर नहीं आएगा, इधर फोर नहीं आएगा, लेकिन इस रो में फोर जरूर आएगा, अगर इस रो में फोर आने वाला है इसका मतलब यहां पे फोर नहीं होगा तो फोर यहां पर होगा, क्लियर। तो मेरे पास कुछ चीजें आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम चीजों को फाइनल करते हैं, क्या समझे बात, ये फोर कैसे लिखा मैंने, मैंने यहां पे फोर कैसे लिखा, तो नाउ वी गॉट कि भाई यहां पर फोर आने वाला है, ये कंफर्म हो गया कि यहां पर फोर आएगा। अच्छा भाई अभी मेरे पास अभी भी फोर दो जगह बच रहा है, इन दो जगह में कंफ्यूजन है मुझे फोर का, अब हम फोर के बाद बढ़ते हैं फाइव पर। नाउ फाइव देखो, अच्छा फाइव यहां कंफर्म है क्योंकि अब बचा ही क्या, फाइव बचा यहां पर। अब देखो एक रो मेरी पूरी हो गई अली, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आएगा यहां पर। अच्छा देखो अब एक और बहुत फास्ट देखो, अब अच्छा फाइव है वहां पर, सॉरी तो फाइव नहीं आएगा, कुछ और आएगा ना, ये फाइव की जगह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आएगा यहां पर, तो सेवन यहां हो गया। इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, देखो दिस इज सेवन की लाइन, दिस इज ऑल्सो सेवन की लाइन, तो कंफर्म हो गया कि यहां पर सेवन आने वाला है, ये सेवन कंफर्म हो गया यहां पर। अब अगर ये सेवन कंफर्म है, ये सेवन हो गया क्वेश्चन, दिस इज सेवन। अब मुझे बताओ इस रो में सेवन और कहां बचता है, देखो यहां पे सेवन हो गया, सेवन में कैसे पूरा हो गया ना, नहीं यहां पे सेवन बचा है, ये सेवन होगा,
क्योंकि देखो ये सेवन नहीं हो सकता, इधर ये सेवन नहीं हो सकता, इधर सेवन हो गया, इधर सेवन हो गया, इधर तो ये सेवन, देखो सेवन पूरा फिल हो गया। यही होता है कि कौन सा जल्दी हो सकता है, ये आपको ढूंढना होता है। सेवन हो गया राइट, ये मैंने थोड़ा थोड़ा मॉडरेट लिया है, आपको अपने आप से क्वेश्चन धीरे धीरे इंप्रूव करने हैं। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। एट, ये एट दिख रहा है आपको, ये एट है, एट होने से देखो यहां पर एट नहीं आ सकता, ये एट नहीं हो सकता, ये एट नहीं हो सकता, इधर ये एट नहीं हो सकता राइट, इधर ये एट नहीं हो सकता, इधर एट नहीं हो सकता, इधर ये एट है, यहां पर एट नहीं हो सकता, तो एट के लिए इधर तो बच गया हमारे पास, ये कॉलम एट का होगा कंफर्म, ठीक है, दिस कॉलम इज फॉर एट। अच्छा अगर इधर एट आ गया तो ये एट नहीं होगा, ये एट नहीं होगा, तो बताओ ऊपर वाले में एट यहां पे कंफर्म होगा ना। आग ज्योति, तुमने मेरी मैथ्स की बुक ली थी ना, ये कंफर्म हो गया वन आंसर। ओके तुम्हारा नाम आर्क ज्योति साहा है ना, तुम मेरे स्टूडेंट रह चुके ना पहले, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके गुड, मैं तुमसे भी बात करूंगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज वन ऑफ द सेट जो आपको बहुत मजा आया होगा इसको करने में, ये आप लोग थोड़ा ट्राई करना। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में। ओके एक क्वेश्चन आपके सामने है, अब मैं आपको एक प्योर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन इज ईच ऑफ द थ्री लॉजिशियन ए बी सी इज वियरिंग हैट, दे नो दैट द हैट्स आर ईदर ब्लैक और वाइट एंड दैट नॉट ऑल द हैट्स आर वाइट, ए कैन सी द हेड्स ऑफ बी एंड सी, बी कैन सी द हेड्स ऑफ ए एंड सी, सी इज ब्लाइंड, ईच इज आस्क्ड इन टर्न्स इफ ही नोज द कलर ऑफ हिज ओन हेड, द आंसर आर ए नो, बी नो, सी यस, इन दिस ऑर्डर, इसी ऑर्डर, पहले ए ने बोला, फिर बी ने बोला, फिर सी ने बोला, व्हाट इज द कलर ऑफ सीज हेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक प्योर रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में करा रहा हूं आप लोगों को, जरा ट्राई करता है सब लोग, टेक योर टाइम, यहीं से आपको लॉजिकल रीजनिंग का थिंकिंग स्टार्ट होगी। आर्क ज्योति, आर्क क्लास के बाद जरा मुझे कमेंट करो, अगर मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जिस पे भी आप मुझे जानते हो वहां पे मुझे कमेंट करो, ठीक है, क्लास के बाद। तुम्हारे पास पहले सब्सक्रिप्शन था ना आर्क ज्योति, तुम्हारे सब्सक्रिप्शन था ना आर्क ज्योति पहले, हाँ ठीक है टेलीग्राम पे करना, ठीक है ओके। हाँ मुझे तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है ना, आर्क ज्योति, तो मुझे तुम्हारा नाम याद रहता है हमेशा, आर्क और ज्योति। चलो सॉल्व दिस, ईच ऑफ द थ्री लॉजिशियन ए बी सी, ओके आंसर गलत हो गया,
ओके ओनली ईशान मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट, एक ही बच्चा इसको कर पाया। स्वर्णिमा अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी मैंने टाइमर दिया बच्चों को, बच्चे सॉल्व कर लें। कैसे क्वेश्चन का थिंकिंग स्टार्ट करते हैं वो समझना जरूरी है। ए बी एंड सी इज वियरिंग हैट, दे नो, अच्छा अनस ने भी सही मार्क किया, दे नो दैट द हेड्स आर ईदर ब्लैक और व्हाइट एंड दैट नॉट ऑल द हेड्स आर व्हाइट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, उनको ये पता है कि या तो हेड ब्लैक है या व्हाइट है, ये बात सबको पता है उन तीनों को। इसमें सी ब्लाइंड है लेकिन ये तो पता है उसको भी कि भाई या तो ब्लैक है या व्हाइट है या सारे व्हाइट नहीं है, मतलब सारे ब्लैक हो सकते हैं लेकिन सारे व्हाइट नहीं है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि ये कंडीशन है इस क्वेश्चन की। ए कैन सी द हेड्स ऑफ बी एंड सी, ए अपना छोड़ के बी और सी का हेड देख सकता है। ध्यान समझना, ये कॉन्सेप्ट लॉजिकल है और यही रीजनिंग आपको सीखनी है, कैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कैसे कोई क्वेश्चन हिट होता है। अच्छा, बी कैन सी द हेड्स ऑफ ए एंड सी, सीधी बात है बी अपना अपना हेड नहीं देख पाएगा लेकिन ए और सी का हेड देख लेगा। अच्छा, सी ब्लाइंड है तो सी कांट सी एनीथिंग, वो ए और बी के आंसर से अपना आंसर देगा। ईच इज आस्क्ड इन टर्न इफ ही नोज द कलर ऑफ हिज ओन हेड, तो जैसे मतलब ए से पूछा गया कि भाई तुम्हारा कलर क्या है, तो ए ने बोला कि नहीं बता सकता, मतलब उसे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। अब ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है ये सीखना है आप लोगों को। ओके, तो चलो हम देखते हैं ए बी और सी इनके पॉसिबल हेड्स क्या क्या हो सकते हैं प्रोवाइडेड सारे व्हाइट नहीं है। तो देखो ब्लैक 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 सारे ब्लैक हो सकते हैं, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी। सारे ब्लैक हो सकते हैं, बोलो यस और नो, सारे ब्लैक हो सकते हैं, मतलब दिस इज अ पॉसिबिलिटी। हम ऑल पॉसिबिलिटी बनाएंगे फिर गिवन रीजनिंग से हम कुछ पॉसिबिलिटी कर्टेल करेंगे, कुछ पॉसिबिलिटी हम हटाएंगे। चलो भाई बी बी बी, उसके बाद ब्लैक ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक ब्लैक, अच्छा दो व्हाइट कर लो, व्हाइट ब्लैक व्हाइट एंड व्हाइट व्हाइट ब्लैक, ये सेवन पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब जब हम कंडीशन से पहले जब उनको ये पता था कि सारे व्हाइट नहीं है तो तीन व्हाइट नहीं होंगे, तीन ब्लैक हो सकते हैं, बाकी ये कंडीशन हो सकते हैं कि भाई तीनों ब्लैक हो सकते हैं, एक व्हाइट हो सकता है, दो व्हाइट हो सकते हैं, बस ये कंडीशन सेवन कंडीशन बन रही है। अब इन कंडीशन के हिसाब से हम क्या क्या कर सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। नाउ अब ए ने बोला, उससे पूछा गया बताओ तुम्हारे सिर पर कौन सा हेड है, तुम्हारे सिर पर कौन सा हेड है। अगर अगर ए को दोनों ब्लैक ब्लैक दिखेंगे, अगर ए को दोनों ब्लैक ब्लैक दिखेंगे, ठीक है, तो वो उसे पता है कि तीन ब्लैक तो हो सकते हैं, है ना। अगर उसको दोनों ब्लैक ब्लैक दिखेंगे तो बोलेगा मे बी पॉसिबल मेरे सिर पर जो हैट है वो ब्लैक या व्हाइट कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो। अगर मैं पहली कंडीशन को देखता हूं, मैं हर कंडीशन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करूंगा, फाइनली कंडीशन क्या बचती है वही हमें सीखना है। अगर ए इन दोनों के कलर ब्लैक देखता है तो उसे पता है कि यार व्हाइट या ब्लैक कुछ भी हो सकता है, सारे व्हाइट नहीं होंगे लेकिन ब्लैक सारे हो सकते हैं, तो उससे कंफ्यूजन है। उसने देखा कि बी और सी के सिर पर ब्लैक ब्लैक हैक है, तो वो कहेगा ओके मेरे सिर पर ब्लैक भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है, इसलिए वो नो बोल रहा है, मतलब ये केस हो सकता है, दिस केस इज पॉसिबल। वो कह सकता है कि भाई मेरे सिर पर ब्लैक भी हो सकता है व्हाइट, इसलिए वो कहता है मैं अभी सर्टन नहीं हूं, इसलिए ए ने नो बोला। अच्छा इस पर आ जाओ, अगर ए ने बी के ऊपर ब्लैक हेड देखा, सी के ऊपर व्हाइट हेड देखा, अगर ए ने बी के ऊपर ब्लैक हेड देखा, सी के ऊपर व्हाइट हेड देखा, अब वो सोचेगा कि यार एक ब्लैक दिख रहा है मुझे, एक व्हाइट दिख रहा है, तो मेरे सिर पर ब्लैक भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है, मतलब फिर वो स्टिल कंफ्यूजन है उसको, तो वो बोलेगा नो मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे पर हेड कौन सा है। अब आते हैं इस केस में, ए ने देखा बी के ऊपर व्हाइट, सी के ऊपर ब्लैक, फिर वही कंडीशन, हिज हेड कैन बी ब्लैक और कैन बी व्हाइट। अब अगर ए ने ब्लैक ब्लैक देखा तो भी कह सकता हाँ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। अब इस कंडीशन बताओ ब्लैक व्हाइट व्हाइट, क्या ये कंडीशन हो सकती है, इज दिस कंडीशन पॉसिबल यस और नो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, इज दिस कंडीशन पॉसिबल। दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, क्योंकि
यहां पर एक लाइन दी हुई है दैट नॉट ऑल द हेड्स आर वाइट. उसने बोला है, सबको पता है दे नो दैट द हेड्स आर ईदर ब्लैक और वाइट. तो सुनो इस बात को, इस कंडीशन में नहीं हो सकती है. क्यों? क्योंकि अगर ए को दोनों वाइट दिख गए, अगर ए को दोनों वाइट दिख जाएंगे और उसे पता है कि सारे वाइट नहीं होंगे, तो इसका मतलब अगर उसे दो वाइट दिख रहे तो उसको पता लग गया कि मेरा वाइट नहीं हो सकता, तो मेरा ब्लैक ही होगा. तो वो कंफर्म बोलेगा हाँ यस मेरा ब्लैक है, लेकिन उसने बोला नो, इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं है वहां पर. दिस इज नॉट अ कंडीशन विद द गिवन क्राइटेरिया. ए के नो कहने से ये कंडीशन तो नहीं हो सकती. अच्छा ये कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है. मतलब जब मैंने ए का नो आंसर सुना तो मैंने ये छह कंडीशन हो सकती है, एक कट गई. क्या ये बात सबको क्लियर है? थम्स अप बटन हिट करो अगर आपको यहां तक समझ में आया. ये थिंकिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आप लोगों को सोचना समझना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. हर क्लास में मैं आपको एक बड़ा मैजिकल सेट जरूर दिया करूंगा, जैसे मैजिकल सेट है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो यहां तक ये आ गया कि यार ए के नो कहने से उसे समझ में आ गया कि उसके अदर जो हेड होंगे दोनों वाइट नहीं हो सकते. सेम केस गोज विद बी. अगर बी को नो बोल रहा है तो मतलब दोनों वाइट केस हटा दो, ये केस नहीं हो सकता. क्योंकि जब बी वाला दोनों में वाइट देखेगा तो बोलेगा यार इसका मतलब उसका ब्लैक होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. उसने भी नो बोला है तो ये दो केस तो कट गए हमारे. अब बचे मेरे पास ये केस बचे, ठीक है. अब सी जो कि ब्लाइंड है, वो उन दोनों के आंसर से अपना हेड कैसे कलर बता सकता है? सी जो कि ब्लाइंड है, हाउ कैन ही से मेरा कलर कंफर्म ये है? उसने यस बोला है, मतलब वो कंफर्म है उसका कलर क्या होगा. चलो भाई देखते हैं वो किस कंडीशन पे कंफ्यूज रहेगा बताने से. सुनो, सी क्योंकि ब्लाइंड है, वो होशियार बहुत है. जो ब्लाइंड होते हैं ना उनका सिक्स सेंस बहुत काम करता है. तो वो जब ए का आंसर सुना तो उसके दिमाग में बात आ गई, जब उसने सी का आंसर सुना उसके दिमाग में बात आ गई कि ये कंफर्म है कि या तो मेरे पास, या जब ए आंसर देता है तो या तो मेरे पास या बी के पास वाइट जरूर है, एक वाइट जरूर है. दोनों वाइट नहीं है, एक ब्लैक एक वाइट, ठीक है. जब ए ने मुझे देखा और बी को देखा तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों वाइट नहीं हो सकते हैं. तो ए ने जब बोला कि यस आई एम नॉट श्योर, उसने नो बोला, तो इसका मतलब सी ने समझ लिया कि बी या सी में एक ब्लैक है या एक वाइट है या दोनों ब्लैक है, वो समझ गया ये कंडीशन है. जब ए ने बोला, बी ने जब बोला कि ए और सी के पास, वो भी वही सोच रहा होगा इसने, इसने बोला कि एक ब्लैक एक वाइट या दोनों ब्लैक, ठीक है. इस कंडीशन को हम कैसे एलिमिनेट, जब उसने दोनों के ब्लैक, उसे पता लगा कि देखो जैसे इसने बोला, ए ने बोला नो ब्लैक व्हाइट, मैंने मान लिया चलो ठीक है. अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा केस हम एलिमिनेट कर सकते हैं, विच केस वी कैन एलिमिनेट, बताओ इसमें से कौन सा केस एलिमिनेट हो सकता है. देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है सी के लिए. सी ने कहा कि दोनों ने नो बोला है, इसका मतलब उन दोनों ने एटलीस्ट वन ब्लैक हेड देखा है, एटलीस्ट वन ब्लैक हेड देखा है, राइट. कम से कम एक ब्लैक हेड तो देखा ही देखा है, ओके. और जो वो ब्लैक हेड कम से कम देखा है वो बी सी के हेड पर होना चाहिए, जो उन दोनों ने एक ब्लैक हेड देखा है. इस रीजनिंग को जरा सोचो, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं कि सी ने कैसे उसको यस बोला है, कौन सा हम केस हटाएंगे, बस यही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इसमें कैसे हम सेकंड केस हटाएंगे, एक मिनट दे रहा हूं सोचो.
वंशिका ने बोला है थर्ड हम हटा सकते हैं, स्वर्णिमा बोल रही है हम सेकंड हटा सकते हैं सी के आंसर से। कैसे करेंगे, सी ने कहा कि यार ए ने भी एक एटलीस्ट वन ब्लैक देखा है और इसने भी एटलीस्ट वन ब्लैक देखा है, ये तो मतलब हुआ इस बात का दोनों वाइट नहीं हो सकते क्योंकि पता है कि तीनों वाइट नहीं है, तो इसका मतलब बी ए ने कंफ्यूजन बोला उसने भी एक ब्लैक देखा है और बी ने भी बोला है कि उसने एक ब्लैक देखा है, तभी तो उसको एटलीस्ट वन ब्लैक देखा है और वो ब्लैक किसकी होना चाहिए। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, जब हम बी की बात करते हैं ए की बात करते हैं इसको ब्लैक 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 व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक और ये तीन कंडीशन दिख रही है। अब जब बी ने देखना स्टार्ट किया उसे भी एक एक ब्लैक एक व्हाइट दिख रहा है एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब ये केस हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसको सी को ही कंफर्म हो गया है कि बी ने भी एक कम से कम ब्लैक देखा है और सी ने भी कम से कम ए और बी दोनों ने एक तो ब्लैक देखा है तभी तो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, अगर दोनों वाइट देख लेंगे तो वो यस कंफर्म बोल देंगे, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास जो सी ने उन दोनों के आंसर समझ लिया था कि उसके पास एक ब्लैक होगा तभी वो लोग दूसरे का देखकर, देखो अब इसमें आ जाओ, इस केस में आ जाओ, इन सारे केस में सर्टन है, बस इसी केस में सर्टन नहीं है, सी कंफर्म कर लेगा कि उसके सिर पर ब्लैक होगा तभी वो लोग ब्लैक बार बार देख रहे हैं, राइट। अच्छा इसको ऐसे समझ सकते हो आप लोग, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, यस हिट द थम्स अप बटन अगर आपको बात समझ में आ रही है। पता है सी को पता है कि ए ने भी एक ब्लैक देखा है कम से कम और बी ने भी एक ब्लैक देखा, तो वो ब्लैक उसके सिर का देखा होगा, इसका मतलब उसके पास कंफर्म ब्लैक है, इसलिए वो बोलेगा कि यस मेरे सिर पर ब्लैक है, आंसर इज ए ऑप्शन। गॉट दिस पॉइंट, यस हिट द थम्स अप बटन। नहीं सर मैं बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों को, अच्छा लिखो अगर आपको बात समझे तो लिखो कमेंट सेक्शन में अगेन, ये क्वेश्चन हर बार फंसता है बच्चों को। वंशिका अच्छा हम इसी केस को रिवर्स लेके चलते हैं, ठीक है इसी केस को रिवर्स लेके चलते हैं, क्योंकि ए ने बोला था, मैं इसी केस जो मुझे केस हटाना है उसी को मैं रिवर्स लेके चल रहा हूं, क्योंकि ए ने बोला था कि उसको कंफर्म नहीं, तो इसका मतलब एक ब्लैक एक व्हाइट है किसी के हेड पर, मतलब एक इस ब्लैक के केस में ये दो केस हम लेके चल रहे हैं, ठीक है इसने नो बोल दिया ब्लैक एंड व्हाइट, अब इसने भी नो बोला है, इसने जब नो बोला बी ने तो बी ने भी एक ब्लैक देखा होगा और एक व्हाइट देखा होगा कम से कम, राइट। ओके एक मिनट पूरा केस दोबारा बनाता हूं मैं, ठीक है ए बी सी ब्लैक ब्लैक ब्लैक
ब्लैक ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक ब्लैक, और ब्लैक व्हाइट व्हाइट, व्हाइट ब्लैक व्हाइट, व्हाइट व्हाइट ब्लैक, ऑल व्हाइट आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर सारे व्हाइट नहीं, तो जैसे ए ने अगर इन दोनों के व्हाइट देख लियो तो वो कहते हैं मेरे पास ब्लैक है, दिस इज केस नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए ने बोला था नो। उसी तरह से बी ने जब दोनों के व्हाइट देखेंगे तो वो भी कंफर्म हो जाएगा कि मेरा ब्लैक है, दिस टू केस आर नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब सी को समझ में आ गया कि अगर वो कंफ्यूजन है तो सी ने चेक किया कि या तो ए और बी इन लोगों ने एटलीस्ट वन ब्लैक देखा होगा, वन ब्लैक देखा होगा, इसने भी एटलीस्ट वन ब्लैक देखा होगा, सी को ही समझ में आ गया। अब अगर उन लोगों ने एटलीस्ट वन ब्लैक देखा होता तो वो ब्लैक किसकी सिर पर होना चाहिए था भाई? कम से कम एक ब्लैक जरूर देखा होगा उन लोगों ने, क्योंकि वो तो देख सकते हैं ना एक। तो इसका मतलब ये वाला केस में वो समझ जाएगा कि मेरे को छोड़कर बाकी सबके पास एक वाइट जरूर होना चाहिए, मेरे को छोड़कर सबके पास एक वाइट जरूर होना चाहिए, इसलिए दोनों ब्लैक पॉसिबल नहीं है। वो सी वाला वाइट नहीं हो सकता है, वो केवल और केवल ब्लैक हो सकता है। ये चार केस पॉसिबल है, इसका मतलब इन चारों केस में सी के सिर पर ब्लैक हैट ही हो सकता है बस। तो वो कहेगा यस कंफर्म, इसलिए उसने यस बोला। आंसर इज बी, ए ऑप्शन। क्लियर, मजेदार क्वेश्चन था। अच्छा एक सेट में कराऊंगा तुमको, और एक और अच्छा सेट। हाँ ये सेट देखो, ये ट्रैक करना होता है, टेबल मैट्रिक्स बनानी होती है, उस मैट्रिक्स में वैल्यू फिल करनी होती है। हमारे पास क्वेश्चन है, देर आर टू रेड वन ग्रीन एंड वन ब्लू बॉल्स, दीज फोर बॉल्स आर टू बी प्लेस इन थ्री बॉक्सेस, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, सच दैट ईच बॉक्स कंटेन एटलीस्ट वन बॉल एंड बॉक्स थ्री हैज टू बॉल। दिस इज सिनारियो। हमारे पास सीन ये है कि मेरे पास एक बॉक्स वन है, एक बॉक्स टू है, एक बॉक्स थ्री है। ठीक है, मेरे पास दो रेड बॉल है, मेरे पास एक ग्रीन बॉल है, मेरे पास एक ब्लू बॉल है। मुझे इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में रखना है। वन रेड बॉल इज डेफिनेटली प्लेस्ड इन द बॉक्स थ्री, ये मेरे पास पहली कंडीशन है कि बॉक्स थ्री में एक रेड बॉल जरूर आएगी। ऑल्सो इट इज नोन, अब ये पांच कंडीशन है, इन पांच कंडीशन के हिसाब से आपको सेट करना है कि किसमें कौन कौन सी बॉल होगी। ये जो एक रेड यहां पर होगी तो मेरे पास बची एक रेड, अब मुझे एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू इनमें फिक्स करनी है, तो कौन सी बॉल किस बैग में आएगी वो आपको इस कंडीशन से फिल करना है। स्टार्ट करो, मेरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन इसमें ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल प्लेस्ड इन दैट ऑर्डर, बॉक्स वन, बॉक्स टू एंड बॉक्स थ्री। मतलब इसमें कौन सा एक ऑर्डर होगा जो बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री में होना चाहिए। तो जरा आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एंड यू हैव 3 मिनट टू आंसर दिस।
ओके, वंशिका, आठ ज्योति, देखो कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो हम एक, अब यहां पर ना मैट्रिक्स होगी, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, और बिना टेबल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसको ध्यान समझना। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा टेबल बनाऊंगा जो जो कंडीशंस होंगे लिखते जाएंगे, फिर देखेंगे क्या नहीं हो सकता है। तो दिस इज फॉर बॉक्स वन, दिस इज फॉर बॉक्स टू, दिस इज फॉर बॉक्स थ्री। अच्छा, बॉक्स थ्री में रेड रेड बॉल तो सब में एक एक रख दो आप, रेड 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 तो सब में होगी होगी, ठीक है, एक एक रेड तो है ही। मतलब उसने बोला कि ऑलरेडी एक रेड है, तो मैं कुछ कंडीशन देखते कितनी बन सकती है, मैंने छह लिख दिए, क्या इनमें से कोई सी कंडीशन हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, यहां बोल रहा है कि वन रेड बॉल इज डेफिनेटली प्लेस इन बॉक्स थ्री, ऑल्सो इट इज नोन दैट द टू रेड बॉल डू नॉट गेट प्लेस इन द सेम बॉक्स। मतलब यहां पर अब रेड नहीं आ सकता है। तो देखो अब मैं क्या बनाता हूं, फर्स्ट कंडीशन के बाद रेड, कौन कौन सा है, ब्लू एंड ग्रीन है ना, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू कर सकता हूँ, ऐसा रेड यहां कर लो, रेड ब्लू ग्रीन और रेड ग्रीन ब्लू, क्या और कोई चांसेस है, रेड इधर जाएगा नहीं, तो दीज आर द पॉसिबिलिटी। ये चार पॉसिबिलिटी, दो तो बनेंगी नहीं, तो ये चार पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, राइट। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी आगे कैंसिल हो रही है। देखो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट यूज कर लिया कि रेड इज नॉट देयर इन द थर्ड बॉक्स, ब्लू बॉल एंड द ग्रीन बॉल आर इन डिफरेंट बॉक्सेस, तो ब्लू एंड द ग्रीन बॉल, ठीक है, वो कंडीशन तो यहां पे फेल ही हो गई है, क्योंकि जब पहली कंडीशन होगी कि द टू रेड बॉल डू नॉट गेट प्लेस, अगर मैं यहां पे दोनों रेड कर दूंगा तो क्या होगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा, दो एक रेड इधर से हट जाएगी, तो फर्स्ट कंडीशन होने से एक रेड को मुझे इधर करना पड़ेगा, तभी तो ब्लू ग्रीन यहां पर आएंगी, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये तुम्हारे लिए यूजलेस कंडीशन थी, रेड को मुझे थर्ड में रखना, तो फिर मेरे पास ब्लू ग्रीन कभी साथ नहीं आ सकती, सेकंड कंडीशन इज यूजलेस। अच्छा, इफ बॉक्स थ्री डज नॉट कंटेन द ब्लू बॉल देन बॉक्स वन कैन नॉट कंटेन अ रेड बॉल। अगर बॉक्स थ्री में ब्लू बॉल नहीं है, तो एक कंडीशन ये है, बॉक्स वन कैन नॉट कंटेन रेड, यहां पर ब्लू बॉल नहीं है, यहां पर रेड भी नहीं होगी, तो ये केस नहीं हो सकता, ये काट दो, ठीक है, एक मेरे पास इस कंडीशन से I can eliminate first grouping. If box one does not contain the box one does not contain the green ball, then box three cannot contain the blue. तो अगर box one में green ball नहीं है, मतलब red है, तो यहां पर blue ball नहीं हो सकते, तो ये भी cancel हो गया। देखो समझो इस बात को, if box one does not contain the green ball के अलावा कुछ और, देखो यहां पे जो red है, तो अगर यहां पर रेड है तो यहां पे ब्लू नहीं हो सकती, वही बोला ना, द बॉक्स थ्री कैन नॉट कंटेन द ब्लू बॉल, तो दिस केस कैंसिल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां पर ब्लू है, ये भी ग्रीन नहीं है ना, इफ बॉक्स वन डज नॉट कंटेन द ग्रीन बॉल देन बॉक्स थ्री कैन नॉट कंटेन द ब्लू बॉल, तो ये हो सकता है केस। आगे देखते हैं, यहां पर ग्रीन बॉल है, चलो इसकी कोई कंडीशन नहीं है, इफ इफ बॉक्स वन डज नॉट कंटेन द ब्लू बॉल, अगर वो ग्रीन है वहां पर, देन बॉक्स थ्री ऑल्सो कैन नॉट कंटेन द ब्लू बॉल, ये भी नहीं हो सकता, तो केवल केस मेरा बचा ही है। तो फाइनल जो मेरे पास केस आ गया, अब यही तो होती है कंडीशंस, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, तो मेरे पास क्या क्या हो गया, मेरे पास हो गया ब्लू इसमें है, इसमें रेड हो गया, इसमें एक रेड है और एक ग्रीन है, मैंने कलर वाइज कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल प्लेस इन दैट ऑर्डर, बॉक्स वन, ब्लू, रेड, ग्रीन, यस, दिस बी इज द आंसर, ठीक है, सबको समझ में बात ये, तो ये है तरीका, ऐसे करने चाहिए इन क्वेश्चन को, मजा आया इस क्वेश्चन में, इसका एक सेट और कर लेते हैं। इफ द ग्रीन बॉल इज इन बॉक्स ए एंड द ब्लू बॉल इज इन बॉक्स बी, ये बॉक्स ए और बॉक्स बी, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, चलो उसको सॉल्व करो, आपको मैं इसमें केवल 90 सेकेंड दूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चन।
सॉल्व दिस। ओके रोहन, ओके बॉक्स जो ए नाम दिया गया उसमें हमने ग्रीन बॉल रखी है, और बॉक्स बी जो नाम दिया उसमें मेरे पास ब्लू बॉल आई है, ठीक है। तो ग्रीन बॉल किस बैग में थी भाई, ग्रीन बॉल किस बैग में थी, ग्रीन थी थ्री नंबर, तो बॉक्स थ्री में थी, तो इसका मतलब ए की वैल्यू होगी थ्री। और ब्लू बॉल किस बॉक्स में थी, वन में थी, तो बॉक्स वन में ब्लू बॉल थी, तो बी की वैल्यू होगी वन, ठीक है। तो मुझे पूछा क्या ए माइनस बी मतलब थ्री माइनस वन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन सिखाए। अगर आपको ये हैट वाला क्वेश्चन ना समझ में आया तो थोड़ा टेंशन मत लेना, मैं इसको अगली क्लास में फिर और एक बार और कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, आप इसको ट्राई कर लेना। एक सेट और मैंने लिया था वो मैं आज करा नहीं पाया, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसको भी आप तैयार करके रखना। नेक्स्ट क्लास मेरी फ्राइडे को, मैंने लिंक आपको दे दिया है, एंड मेरी जो बुक है ना अभी ये बुक अमेजन पे अवेलेबल है, यू कैन रीड दिस बुक फॉर फ्री। इस बुक का जो अमेजन लिंक है इसके साथ आपको किंडल एडिशन में मिल जाएगा, तो यू कैन रीड दिस बुक फॉर फ्री, मैं इसका लिंक आपको दे देता हूं, ठीक है। आई विल गिव यू द लिंक, इस लिंक के थ्रू आप इस बुक को पढ़ सकते हो, इफ यू लाइक यू कैन परचेज दिस बुक। और हम लोगों का जो सिलेक्शन रेट रहा इसका बहुत अच्छा रेट था, मोर देन 85 लर्नर्स गॉट 99 प्लस परसेंटाइल, मोर देन 85 लर्नर गॉट 98, तो ऑलमोस्ट 170 स्टूडेंट का 98 प्लस परसेंटाइल आया, 95 टू 98 के बीच में 160, ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट 95 प्लस रहे। यू टू कैन जॉइन द लीग ऑफ दीज लर्नर नेक्स्ट ईयर बाय जॉइनिंग अवर न्यू बैच जो कि जनवरी 13 मतलब 5 दिन बाद स्टार्ट होने जा रहा है। यूज हाँ आर ज्योति मुझे मैसेज करो, एलजेब्रा में काम करो मुझे मैसेज करो क्लास के बाद, ठीक है। यूज माई कोड भारत अंडरस्कोर गुप्ता टू गेट सब्सक्रिप्शन एंड मेरा ये बैच नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से, वेडनेसडे को गुड नाइट।